हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश कुमार मौर्य अपने चैनल आरके ग्री सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज किसी सब्जी किसी वैरायटी के बारे में बात करने नहीं आया हूं आप लोगों से। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एनवायरनमेंट दिवस के बारे में, पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को हर साल मनाया जाता है उसके बारे में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। दोस्तों देखा जा रहा है कि हर साल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, इस साल आप लोग देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया। उसी को देखते हुए हमने सोचा कि उन अपने ही किसान भाइयों से कुछ इसके बारे में बात किया जाए। जिस तरीके से हम लोग खेती करते हैं उसी तरीके से पेड़ पौधे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ऐसे इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो दोस्तों खेती करनी तो बड़ी बात, हम लोग भी अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उसी विषय में आपसे बात करेंगे आज हम पर्यावरण के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों बात यह है कि हम चाहते हैं कि आप लोग हर एक किसान जितने भी हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं कोशिश करिए कि एक पौधा, हर एक इंसान एक पौधा लगा दे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे शहर के सब्सक्राइबर अगर हमारे हैं, अगर वो भी हमारा वीडियो देखते हैं तो उनसे भी हम अपील करना चाहेंगे कि अपने घर के आसपास पीछे अगर कोई जगह खाली है, अगर घर के सामने ही छोटा बहुत गार्डन बना सकते हैं तो बना ले, छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े पौधे वो लगाएंगे तभी इन्वायरमेंट का थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो घर के आसपास थोड़ा सा मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांटेशन प्लांट जो भी होते हैं अगर आप उनको लगाते हैं उससे भी थोड़ा सा बहुत इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। और हम सभी किसान भाइयों से अपील ये करना चाहेंगे आप किसी भी पौधे का कोशिश करिएगा फल का पौधा लगाए ताकि आपको उसमें 2-4 साल बाद उसमें फल भी खाने को मिले, आप भी खाइए आपके बच्चे भी खाएंगे, लेकिन एक पौधा ज़रूर लगाइए। इससे क्या होगा कि कम से कम थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का थोड़ा बहुत कम तो हो जाएगा टेम्परेचर, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा हम तो अपने ही यूट्यूब चैनल से बोलना चाहेंगे लेकिन बाकी और यूट्यूबर से भी बोलना चाहेंगे जो भी हमारे किसी से संबंधित हमारे यूट्यूब चैनल से भी है या और भी जैसे भी किस जिसी प्रकार के भी यूट्यूब चैनल हैं हम उनसे भी अपील करना चाहेंगे इस प्रकार की मुहिम आप लोग भी लेकर आइए। और कम से कम किसानों से बोलिए कि हर एक किसान भाई एक एक पौधा लगाने की जरूर कोशिश करें। आप लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हर साल टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। इस बार हमने देखा कि टमाटर वगैरह की खेती और सब्जी की खेती करना बहुत ही मुश्किल होगा, दवा का प्रयोग भी करने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का फल वगैरह उसमें आ नहीं पा रहा किसी भी सब्जी में। आम का इस बार देख लीजिए, आम का रेट बहुत हाई फाई रहेगा। जिस भी किसान भाई के पास आम है, आम की खेती करते हैं, उनका आम का रेट इस बार हाई फाई रहेगा। क्यों? क्योंकि आम का प्रोडक्शन कम हुआ, कम होने का सारा रीज़न था एनवायरनमेंट, टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या हुआ कि फल रुक नहीं पाया पौधे में और एक दो बार जो आंधी आई उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो भी फ्रूट लगे हुए थे वो झड़ गए। तो चलिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग भी समझदार हैं इसके लिए कि अगर पौधा लगेगा, आप लोग गांव का टेम्परेचर, शहर का टेम्परेचर, मेन हाईवे का टेम्परेचर आप देख लीजिए किस तरीके से हाई बढ़ रहा। तो आप लोग समझदार हैं तो आप लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम 1000 हमारे जितने भी सब्सक्राइबर उसमें से अगर 1000 सब्सक्राइबर भी हमारे एक एक पौधे लगाते हैं तो उसके लिए उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद आभार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।